हाँ भाई, आर्मेचर कंट्रोल भी धीमे तो क्या हुआ था कि शक्ति वे अधिकतम क्षमता पर ज्यादा हो रहा था, और फील्ड कंट्रोल के अंदर आपका अधिकतम क्षमता पर बल आघूर्ण की कमी आ रही थी। तो उन दोनों विधियों की कमी को दूर करने के लिए आपका बड़ा शानदार सा मेथड है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण विधि, ठीक है भाई। पहली बात इंपॉर्टेंट है, यह सीरीज मोटर के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि उसमें फील्ड वाइंडिंग श्रेणी क्रम में आ जाती है। तो वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में बिल्कुल समझना है, ये तो तीन विद्युत मशीनें काम में लेते हैं। पहली मशीन जिस मोटर की गति को नियंत्रित करना है, ये मोटर की शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर यांत्रिक ऊर्जा मिलती है आप लोगों को बीएचपी 735.5, और मोटर को चलाने के लिए विद्युत शक्ति दी जाती है, और विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाला कौन होगा भाई, जनरेटर। ध्यान दें, यदि जनरेटर आपका कंपाउंड है तो मोटर कंपाउंड है तो जनरेटर भी कंपाउंड होना, यदि ये आपका संट है तो ये भी आप लोगों का क्या होना चाहिए, संट होना चाहिए। अब देखो यहां से ये कोई जरूरी भी नहीं है लेकिन अच्छा होगा तो ये अच्छी एक्यूरेसी आएगी इसकी। अब देखो यहां पर है लेकिन सीरीज मोटर नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपका एक जनरेटर है और ये आपका क्या भी मोटर है, यहां से अपन ने क्या दे दी, इसे विद्युत सप्लाई दे दी। अब देखो जनरेटर भी क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जनरेटर का जो प्राइम जो शाफ्ट होती है यांत्रिक ऊर्जा वाली, वो अपने एक इंडक्शन मोटर की शाफ्ट से कपल्ड कर देते हैं। ये आपकी क्या होती है, एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसकी शाफ्ट है वो अपन यांत्रिक रूप से जोड़ देते हैं, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अपन क्या देंगे भाई, इनपुट में पावर देंगे। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की इनपुट पावर क्या होती है, √3 VL IL cos phi, इकाई क्या होगी भाई, वाट। जो कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर। कौन सी पावर होती है भाई, एक्टिव पावर होती है जो मोटर की स्टेटर वाइंडिंग को दी जाती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में कितनी मशीनों की जरूरत पड़ती है, तीन मशीनों की जरूरत पड़ती है। नंबर एक इंडक्शन मोटर जो जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देगी, जनरेटर जो जिस मोटर की गति को नियंत्रित करना उसको विद्युत सप्लाई देने का काम करेगा, और ये आपकी क्या भाई, मोटर। अब देखो दोनों मशीनों की जो फील्ड फील्ड वाइंडिंग है उसे बाहरी स्रोत के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव या आपका नेगेटिव है। और ये मान लीजिए जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग, और ये मान लीजिए आपकी मोटर की फील्ड वाइंडिंग। मोटर की फील्ड वाइंडिंग से कोई कोई भी परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ परिवर्तित करना होगा जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग से। तो जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक तो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जाता है, तो ये तो मान लीजिए अपन ने वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, और इनके कनेक्शन चेंज करने से करने के लिए एक आप लोगों का रिवर्स स्विच लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा भाई, रिवर्स स्विच, इसे अपन कहेंगे ये रिवर्स स्विच लगा हुआ है, रिवर्स स्विच लगा दिया। दूसरा ये आपका क्या भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और ये जनरेटर की क्या भाई, आपकी फील्ड वाइंडिंग है, और ये मोटर की फील्ड वाइंडिंग है। अब देखो गति नियंत्रण विधि के अंदर क्या होगा, यह जो माध्यम है वो दो काम करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल भी करता है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल भी करेगा, और मोटर की घूमने की जो दिशा है डायरेक्शन है उसको भी क्या करेगा भाई, चेंज करेगा। तो देखो आप लोगों को पता है कि स्पीड कंट्रोल कैसे होती है, स्पीड कंट्रोल के लिए आप लोगों ने कहा है कि डीसी मोटर की घूर्णन गति बैक ईएमएफ के समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। मैंने कह दिया है कि मोटर की फील्ड वाइंडिंग में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, तो फील्ड फ्लक्स तो आपका नियत रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। अब देखो बैक ईएमएफ का मान, बैक ईएमएफ का मान कम होता है तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी भाई, कम होगी। और बैक ईएमएफ कम कैसे होगा, ईबी बराबर वीएल माइनस आईएआर। जब वीएल का मान कम हो जाएगा तो ईबी का मान क्या होगा, कम होगा। तो मैं क्या करता हूं, डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होता है, फील्ड फ्लक्स और घूर्णन गति के समानुपात में होता है। घूर्णन गति इंडक्शन मोटर से मिल रही है, ये मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, नियत कर दिया, तो जनरेटर का जो फ्लक्स है, फ्लक्स के ऊपर ही क्या कर रहा है, वोल्टेज निर्भर कर रहा है। ध्यान देंगे
इस वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या करूंगा, परिवर्तन करूंगा, इसके मान को बढ़ाऊंगा, तो एक्साइटेशन करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको पता है इस फील्ड वाइंडिंग में आने वाला करंट है वो आई समानुपाती फाई हुआ, फाई का मान आई का मान कम होने से फाई का मान कम हुआ, जनरेटर ने वोल्टेज का मान कम बनाया और वो वोल्टेज डीसी मोटर को कम मिले, जिसके कारण बैक ईएमएफ का मान कम हुआ और मोटर की घूर्णन गति पहले की तुलना में कम हो गई। तो घूर्णन गति को कम करने के लिए वाट लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में फील्ड फ्लक्स है उससे जुड़ा हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस के मान को परिवर्तित करके मोटर की घूर्णन दिशा सामान्य से कम प्राप्त की जाती है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मोटर की स्पीड की डायरेक्शन चेंज करना है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन क्या होती है भाई, गति की नियंत्रण ईबी प्रोपोर्शनल और फील्ड फ्लक्स के विस्कर्मानुपाती। मैंने कहा कि गति को नियंत्रित परिवर्तित करने के लिए भी मोटर की फील्ड वाइंडिंग को आप लोगों को हाथ भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बैक ईएमएफ करना है। अब आपको बताया कि आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज करते हैं तो बैक ईएमएफ की ध्रुवता चेंज हो जाएगी, लेकिन अपने को बैक ईएमएफ के भी चेंज नहीं करने हैं। ये देखो ये रिवर्स स्विच लगा हुआ है, यदि रिवर्स स्विच के कनेक्शन में उल्टे कर देता हूं तो इस फील्ड वाइंडिंग में बनने वाली फ्लक्स की ध्रुवता चेंज हो गई, ध्रुवता चेंज होने से जनरेटर ने वोल्टेज पहले की विपरीत ध्रुवता का बनाया और ये विपरीत ध्रुवता का वोल्टेज वो किसको मिला, मोटर को मिला, और मोटर को विपरीत ध्रुवता का मिला तो ऑटोमेटिकली बैक ईएमएफ की ध्रुवता चेंज हो गई और मोटर की दिशा वो पहले के विपरीत दिशा में घूमने लग गई। तो वाट लियोनार्ड विधि को अपन मेरे भाई वोल्टेज नियंत्रण विधि कहते हैं। कौन सी विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि। ऐसा क्यों, क्योंकि मोटर की स्पीड की डायरेक्शन है वो भी जनरेटर के वोल्टेज की ध्रुवता के कारण ही चेंज हो रही है। दूसरी बात, मोटर की स्पीड कंट्रोल कम और ज्यादा वो भी जनरेटर के वोल्टेज के कारण ही हो रही है, इसलिए इसे वोल्टेज नियंत्रण विधि कहते हैं। वाट लियोनार्ड विधि के द्वारा दो काम हो रहे हैं, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी शून्य से लेकर अधिकतम घूर्णन गति प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका वाट लियोनार्ड विधि है और वोल्टेज नियंत्रण विधि डीएमआर से भी क्वेश्चन कम से कम भी पिछली दो 17 की और 18 की जो भर्तियां हैं उनमें कम से कम ये क्वेश्चन आपका दो या तीन बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसे ध्यान देंगे। और पूरा जो आपका स्पीड कंट्रोल है इसे क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो ये तो था भाई आपका संट तथा कंपाउंड मोटर की गति नियंत्रण। अब मैं आप लोगों को बताता हूं एक विधि और है इसकी, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड कह सकते हैं अपन, वोल्टेज नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि के नाम से इसे जानेंगे। तो देखो वोल्टेज नियंत्रण विधि के अंदर क्या होगा कि ये मान लीजिए आपकी सप्लाई वोल्टेज है और ये मान लीजिए मोटर का भाई आर्मेचर है और यहां मान लीजिए आपकी संट फील्ड वाइंडिंग है। ध्यान देंगे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप करेगा जिसके कारण आर्मेचर के सिरों पर आरोपित विभव का मान कम कर जाएगा और मोटर की स्पीड सामान्य से आप लोगों को क्या मिलेगी भाई, कम मिलेगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस तुलना की तुलना में आजकल थायरेस्टर सिस्टम आता है आईसीआर बेस्ड, आईसीआर की सहायता से भी अपन क्या कर सकते हैं वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ये तो थी आपकी संट और कंपाउंड मोटर की स्पीड कंट्रोल। अब मैं आपको बात करूंगा बताऊंगा कि श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण विधि, श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण विधि आगे है स्पीड कंट्रोल ऑफ श्रेणी मोटर, श्रेणी मोटर, श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण, श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण आप लोगों को पढ़ना है। तो संट जो श्रेणी मोटर का गति नियंत्रण है वो आपका पांच प्रकार का होता है भाई, कितने प्रकार का, पांच प्रकार का। पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई आर्मेचर डाइवर्टर, पहली विधि है आपकी आर्मेचर डाइवर्टर विधि। दूसरी विधि है आप लोगों की आर्मेचर की अब की बार क्या कर दो, फील्ड को डाइवर्टर कर दो, फील्ड को क्या करेंगे आप लोग डाइवर्टर करेंगे, फील्ड डाइवर्टर विधि। इंपोर्टेंट विधि आप लोगों की श्रेणी समांतर विधि, कौन सी विधि है भाई, श्रेणी समांतर विधि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सभी विधि इंपोर्टेंट है लेकिन इसका एक अलग कंसेप्ट होता है। दूसरी विधि आप लोगों की फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि। और लास्ट में सभी में जो काम में ली जाती है वोल्टेज नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि। एक एक विधि को आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तो देखो पहले मैं बताता हूं आपको आर्मेचर डाइवर्टर विधि,
मैंने कहा है वहां तो कहा था कि नियंत्रण का मतलब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और डाइवर्टर का मतलब प्रतिरोध उस भाग के किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम में लगाओगे, समांतर क्रम के अंदर आप लोगों को लगाना है। तो देखो ये तो भाई क्या है आपका आर्मेचर, और मोटर कौन सी है श्रेणी, श्रेणी मोटर कब कहलाती है, जब फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किए जाते हैं। आर्मेचर को डाइवर्ट करना है तो आर्मेचर के समांतर क्रम में क्या लगाऊंगा मैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाऊंगा। अब देखो आर्मेचर का प्रतिरोध न्यूनतम और यहां भी प्रतिरोध क्या हो रहा है, समांतर में आ रहा है, तो आगे का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो फील्ड वाइंडिंग में आने वाली धारा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और धारा का मान ज्यादा आएगा तो फ्लक्स का मान क्या बनेगा, ज्यादा, और फ्लक्स का मान ज्यादा बनता है तो घूर्णन गति का मान क्या होता है, कम। या फिर अपन कहेंगे कि जो आर्मेचर की करंट है वो आपकी बाईपास हो रही है तो आर्मेचर में करंट कम आने के कारण बैक ईएमएफ का मान भी क्या हो गया, कम हो गया, जिससे मोटर की घूर्णन गति सामान्य से कम मिलती है। तो आर्मेचर डाइवर्टर विधि के अंदर जो घूर्णन गति होती है वो आपको सामान्य से कम मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, सामान्य से कम। वापस आप लोग देख सकते हैं कि जो लाइन करंट का मान यहां से निकलेगा IL बराबर, वो क्या होगा आपका ISC और वो क्या होगा आपका IL। श्रेणी मोटर में ध्यान देंगे IL बराबर क्या होता है, ISC बराबर क्या होता है आपका IA, क्योंकि तीनों के कनेक्शन किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। तो IL बराबर क्या आपका ISC है। तो जैसे ही मान लीजिए दोनों भाग आपके समांतर में जुड़े हुए हैं तो आगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने के कारण फील्ड में धारा का मान बढ़ जाता है। या फिर अपन कहेंगे कि बैक ईएमएफ का मान आर्मेचर की करंट बाईपास होने के कारण कम बनता है, तो दोनों ही केस हो गए कि यदि फील्ड फ्लक्स बढ़ता है तब भी घूर्णन गति कम मिलती है, और यदि आपका बैक ईएमएफ का मान कम होता है तब भी घूर्णन गति कम होती है। तो सामान्य से कम गति प्राप्त करने के लिए सीरीज मोटर में किस विधि को अपनाया जाएगा, आर्मेचर डाइवर्टर विधि को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट, ये आपकी आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। आगे मैं आपको बताता हूं फील्ड डाइवर्टर विधि, कौन सी विधि भाई, फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड को क्या करना है, डाइवर्ट करना है, फील्ड डाइवर्टर विधि, फील्ड डाइवर्टर विधि। तो देखो फील्ड डाइवर्टर विधि के अंदर क्या होगा, ये सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग और ये मोटर का आर्मेचर, आर फील्ड को डाइवर्टर करना है तो प्रतिरोध मैंने यहां लगा दिया, और ये भी कौन सा भाई, वेरिएबल रेजिस्टेंस। यहां से करंट आपकी ILI, यहां करंट आपकी IA, इसमें से जाएगी वो आपकी ISC करंट। अब देखो मान लीजिए लाइन की करंट 10 एम्पीयर है, लोड करंट, तो 10 एम्पीयर करंट यदि ये नहीं जोड़ते आप लोग तो पूरा का पूरा फील्ड वाइंडिंग में से निकल जाता, लेकिन आप लोगों ने एक रास्ता और बना दिया तो फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाला करंट है उसका कुछ भाग वेरिएबल रेजिस्टेंस में जाकर आर्मेचर तक पहुंच गया, तो फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट का मान पहले की तुलना में कम हो गया, तो फ्लक्स का मान कम हुआ क्योंकि विद्युत धारा है उसी के समानुपात में फील्ड फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स का मान कम होता है तो घूर्णन गति का मान बढ़ता है। तो सामान्य से अधिक घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए श्रेणी मोटर में किस विधि को अपनाया जाएगा, फील्ड डाइवर्टर विधि को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, फील्ड डाइवर्टर विधि थी, आगे मैं आप लोगों को बताता हूं श्रेणी समांतर विधि, कौन सी विधि, श्रेणी समांतर विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी समांतर विधि। तो देखो क्या होता है कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है पोल के ऊपर बनाई जाती है उसको दो अर्ध भागों में बांट लेते हैं। टोटल मान लीजिए आपके 40 फ्रंस हैं, तो 20 मैंने यहां लगा दिए, 20 मैंने यहां लगा दिए, तो आधा भाग, और ये कौन सा आपका आधा भाग। एक बार तो अपन दोनों भागों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, दोनों भागों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। एक बार क्या हो रहा है कि दोनों भागों को आर्मेचर के किस क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। ये आपका आधा भाग और ये आपका आधा भाग, ये दोनों अपन ने किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब देखो यहां घूर्णन गति आप लोगों को कम मिलेगी और यहां घूर्णन गति आप लोगों को कितनी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, अधिक मिलेगी। यदि समान क्षमता पर यहां आप लोगों को 100 आरपीएम मिल रहे हैं तो यहां आप लोगों को 400 आरपीएम मिलते हैं, यहां कितने आरपीएम मिलते हैं, 400 आरपीएम। इस विधि के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, कहा जाएगा, स्टेटमेंट है कि दोनों अर्ध भागों को श्रेणी के बजाय
समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो श्रेणी की तुलना में घूर्णन गति 4 गुना ज्यादा मिलती है। यहाँ 1 आरपीएम मिलेगा तो यहाँ आपको 4 आरपीएम मिलेगा। ये आप लोगों को समझना है कि यहाँ आपने वीएल दिया था, ये भाग श्रेणी में, ये भाग श्रेणी क्रम में। आपको बताया कि सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है, तो यहाँ पर वोल्टेज था हुआ आधा हो गया और यहाँ भी वोल्टेज क्या हो गया, भी आधा हो गया। नंबर एक बात, यहाँ आपको बताया समांतर में वोल्टेज समान होता है लेकिन करंट का मान आधा आधा हुआ और करंट का मान क्या करेगा, फ्लक्स बनाएगा, तो इस फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स का मान आधा आधा हो गया। ये क्या हो गया आपका, फाइट हो गया। अब देखो आप लोगों को समझना है कि जो डीसी मोटर की जो घूर्णन गति होती है वो आपकी बैक ईएमएफ के तो समानुपाती और फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो मैं इस विधि के लिए लिखना चाहूं आपका एनएससी के अंदर, तो मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज का मान आधा है तो वोल्टेज के समानुपात अनुसार क्या बनता है, भाई बैक ईएमएफ का मान बनता है। तो मैं एनएससी के लिए कह सकता हूं कि बैक ईएमएफ का मान तो क्या होगा, भाई आधा हो गया, और जो आपका फ्लक्स का मान था वो तो क्या भाई आपका फाई था। तो मैं एनएससी के लिए कहूंगा यहां से ईबी बटा 2 फाई, क्या कहूंगा भाई, ईबी बटा 2 फाई। यहां आप लोगों को देखना है कि जो आपका संट में दोनों भागों को समांतर में जोड़ा है तो बैक ईएमएफ का मान तो क्या था भाई, बराबर ही है, समान ही है, और यहां यहां जो फ्लक्स का मान क्या हुआ भाई, आधा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, एनएसएस बराबर 2 ईबी बटा फाई। अब देखो मैं इन दोनों की तुलना कर देता हूं, ये तो आपका कौन सा भाग है, दोनों भागों को आपने किस क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में। दोनों भागों की तुलना करूंगा तो एनएसएस बटा एनएसी, एनएसएस के लिए आप लोगों ने क्या लिखा है, 2 ईबी बटा फाई, और यहां क्या लिखा आप लोगों ने, ईबी बटा 2 फाई। देखो ये संट में और सीरीज की अपन ने तुलना करी है तो मैं देखो ऊपर लिख रहा हूं ये क्या भी आपका एनएसएस बटा एनएसी। तो देखो एनएस में क्या है, ये आपका क्या भी बराबर है, 2 ईबी तो ऊपर रह गया और फाई आपका क्या होगा भी, नीचे हो गया। यहां क्या बचा आपका, ईबी बचा और ऊपर क्या चला गया भाई, 2 फाई आपका ऊपर चला गया। तो देखो फाई से तो फाई कैंसिल हो गया और ईबी से ईबी आपका कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो क्या बचा, एनएसएस बराबर एनएसी। तो मैं क्या कहूंगा भाई, एनएसएस बचा एनएसी, ऊपर तो क्या बचा आपका 4 और नीचे क्या हो गया आपका 1। तो यहां से अपन लोग यदि वज्र गुणा करेंगे इन्हें तो अपन कह सकते हैं कि एनएसएस बराबर क्या रहा भाई, 4 एनएसी। तो मैं कहूंगा कि दोनों भागों को यदि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी भागों की तुलना में घूर्णन गति का मान कितने गुणा प्राप्त होता है, 4 गुणा प्राप्त होता है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को इसको समझना है। तो ये थी आपकी श्रेणी समांतर विधि। आगे है आप लोगों की फील्ड टेपिंग विधि, आगे है आपकी फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि। तो देखो आगे है आपकी फील्ड टेपिंग विधि, आगे है आपकी फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि, फील्ड टेपिंग विधि। इस विधि में क्या होता है कि जो फील्ड पोल पर जो वाइंडिंग होती है उसकी लंबाई ज्यादा लेते हैं और ये आपका क्या होता है भाई, आर्मेचर, और यहां से मोटर को अपन क्या दे रहे हैं भाई, सप्लाई दे रहे हैं। यहां से एक टेपिंग मैंने यहां निकाली मान लीजिए ए, और ये मान लीजिए आपका बी, ये मान लीजिए आपका सी, और ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसे मान लीजिए मैं क्या कह देता हूं, डी। यहां से कनेक्शन करने के लिए या तो आप लोग रोटरी स्विच काम में लेंगे, या तो आप क्या लेंगे, रोटरी स्विच को काम में लिया जाएगा या फिर नोब स्विच या फिर बेल्ट स्विच को काम में लिया जाएगा। अब आपको बताया घूर्णन गति है वो किस पर निर्भर कर रही है, फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है, फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती हो रही है। अब यदि ए भाग को मैं सी पर जोड़ता हूं तो फील्ड वाइंडिंग की लंबाई आपकी इतनी है, और यदि ए भाग को मैं यहीं जोड़ देता हूं तो फील्ड वाइंडिंग की संपूर्ण लंबाई काउंट हो रही है। तो लंबाई ज्यादा होने से फ्लक्स का मान ज्यादा बढ़ेगा, यदि मैं डी पर जोड़ता हूं तो घूर्णन गति का मान अपने को कम मिलेगा क्योंकि फ्लक्स का मान क्या बन रहा है, ज्यादा। जैसे आप डी से सी की तरफ जाते हैं घूर्णन गति बढ़ेगी, बी की तरफ जाते हैं घूर्णन गति बढ़ेगी, ए की तरफ जाएंगे तो घूर्णन गति बढ़ेगी, क्योंकि ए पर अपन जोड़ देंगे तो फील्ड वाइंडिंग के टर्म्स कम काम में आ रहे हैं, कम काम में आएंगे तो फ्लक्स का मान कम बढ़ने से घूर्णन गति का मान बढ़ जाएगा। इसे अपन कहते हैं फील्ड टेपिंग विधि के नाम से जानते हैं। आगे मान लीजिए वोल्टेज नियंत्रण विधि है, तो वोल्टेज नियंत्रण विधि के अंदर भी क्या होगा कि ये मान लीजिए
वेरिएबल रेजिस्टेंस है और यह मान लीजिए आप लोगों की फील्ड वाइंडिंग है। तो यहां यदि रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने से वोल्टेज ड्रॉप होगा और वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण आर्मेचर में वोल्टेज कम आरोपित होगा, बैक ईएमएफ का मान कम बनेगा। यहां भी अपन लोग क्या लगा सकते हैं भाई, एससीआर लगा सकते हैं। यह आपकी गति नियंत्रण की विद्या थी, पूरी विधियों को मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है। धन्यवाद।